खाकर भीला का पड़े वाने बाड़ा में भी बंद करे भागे ठाकर भाई आवाज जी है 250-250 वोटा ने एक बार ले जा रहा आराम दारू पानी भी खुआई नुंगती पूरी खुआई मीट बाटी खा बारा ने मीट बाटी भी खुआई लेकिन तुझे वोट बेड़ी तो वे हाथ का निशान भी दी तुझे ठाकर गई सारी मार तू खाई क्यों रहा अंदा था मैं तो दीता पर ऊ नहीं दीतो यही लेकिन थे तो नशा गया प्रोह क्यों जो प्रोही क्यों रही है तो एक ही थोड़ी सारे चिंता लेकिन थे भोला गण बिजली समाज के जिला अध्यक्ष गोपाल जी भाई हमारे ब्लॉक अध्यक्ष केदार जी बेरवा जी पहले जिला अध्यक्ष अपने सांवर जी कैलाश जी प्रभादव महाराज जी गणपत जी सभी आए हुए बीर समाज के प्रबुद्ध नागरिकों नौजवान साथियों और बहनों आज बड़ा खुशी का दिन है कि आपने यहां शिव जी की मूर्ति लगाकर और प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम रखा और उसमें हमें भी बुलाया। मैं बीर समाज का पूरा आभारी हूं। आपका समाज ऐसे बहुत अच्छा समाज है। ये शिव जी भगवान जैसे बोला भगवान के वहां पर किसान के किसान थे हो शिव जी तो है आपने पत्थर की मूर्त लेकिन जीवता भगवान थे हो अगर शिव जी को रूप है तो था भिला में है बहुत सबर वाला आदमी है सरकार था के लिए आज नहीं चटू कांग्रेस को राज आयो चटू आपका लिए वे कई कई करता रहे आरक्षण भी कर रखी हो और भी कई तरह की स्कीम दे रखी लेकिन थे भोला गण जो सरकार को जो फायदा उठाना चाहे वे फायदे थे आज तक न उठा सके वहां को कारण है आपने शिक्षा की कमी है आप लोग जगह तक पेड़ को ना जगह तक था या गवर्नमेंट की स्कीम आप आगे पल्ले न पड़े नई बार माने यो सुनना पड़े कैसा माँ के लिए कही की तो था के लिए तो कर्म लिए मोकड़ो लेकिन अब एक बार को फायदो थे उठाओ लीजिए सरकार की तरफ था के खूब तगड़ी तगड़ी योजना और मैं आज भी था क्यों थे लोग मजदूरी करवा जाओ जो मैंने कस काम है जो थे लोग करो कूड़ा बावड़ी थे खोदो और भी तुझे जो है रिस्क वाला काम थे करो तो माका दी ने भी खूब बील है सब मजदूरी करवा जाओ लेकिन पहली का मन तो पहली को अपना अपना टेम काट ली तो लेकिन पाछली पीढ़ी में कुछ लोग पढ़िया लिखे भी आ रही है तो वाने मारो कैबो आप सरकार की तरफ जो फायदे मिल गयो था ना वो फायदा की जानकारी था नहीं छा अब आर मजदूरी करवा जाओ नरी जगह है शहर मा के नरित्र कूड़ा बावड़ी पे जावे कभी ब्लास्ट जावे कभी पाटो पड़ जावे कुट्टी कूड़ा पड़ जावे वो तो महाराष्ट्र या गुजरात में जा रहा हुआ तो वाको मैं कहीं कर भी नहीं सका तो सबू मीडिया में था ना बताऊं बारो अशोक जी गहलोत साहब ने जो है बहुत बहुत धन्यवाद यह योजना पूरी थका लिए जी भाई ने गेहूं मिल रहा है 2 रुपया किलो का चाहे 3 रुपया किलो का वह तो कहीं कराना कौन चिरंजीव योजना क्यों आप लेकिन न है जिन्हें गेहूं नहीं मिल रहा वह भाई ने गेहूं के भाई थे जो है और जो पटिया लिखा है वह आदमी ने क्यों कहते हैं घर घर के सर्वे करो इस स्कीम में एक भी आदमी वंचित न रहना चाहे इतनी बड़ी योजना कोई भी नहीं ला सके यहां अपना राजस्थान राजस्थान में है चाहे आप कूड़ा में जावे चाहे पानी में डूब जावे चाहे बैलगड्डी में जावे चाहे मोटरसाइकिल ले जाओ वो आप लोग डायरेक्ट 5 लाख रुपए मिल जाए सही बात कह रहे हो तू राशन कार्ड अच्छे न बने रहा बात सही कह रही हो
अच्छा राशन कार्ड कौन है, बिल्कुल सही कह रहे तुम। यह बात मैं पहली भी आयोजित भी सुनी, लेकिन यह था कि माइंस वाला की या सरपंच साहब की कमी है जो था कि राशन कार्ड न बने। बाकी राशन कार्ड बनना अच्छा है, राशन कार्ड बेनी तो बच्चे ये सब दूसरी योजना में लागू। इसलिए आप लोग अके घर की सर्वे करो, सब नगे जो है यो चिरंजीवी कार्ड है ना अच्छा है। चिरंजीवी कार्ड यही तो था को इलाज फ्री 10 लाख तक को, सही हॉस्पिटल में जाओ। दिलवाड़ा में 10-15 हॉस्पिटल ऐसा फ्री कर क्या, जिसमें था को महिला को हो चाहे पुरुष को हो चाहे एक्सीडेंट हो क्यों भी हो वो इलाज फ्री है। अरे भाई था कोई घटना घट गई आदमी प्रोगी हो तो वहां 5 लाख रुपए मिले। तो ये योजना था कि जो है पल्ले पड़नी चाहे, खे नशंग चाहते हो, खे बहुत नशंग हो, खे कोई परवाही नहीं करो, यही तो यही है। मैं आज कोना था कि 20-25 साल था कि बीच में हूं, और कोई के घरे जाऊं बेटवा उठवा तो कह भाई ख्याल हो रही हो तो दानो हो रहा मर गयो। उम्र कितनी है, 30-35 साल को यही था। अब 30-35 साल कोई दानो है क्या, लेकिन थे तो नशंग है कि प्रो क्यों जो प्रो ही क्यों रही है। तो एक ही थोड़ी सारे चिंता रखनी चाहिए, मंदा आ जाए हो तो आजकल डॉक्टर था निःशुल्क इलाज है। अब थे समाज गली भील रो, लेकिन होशियारी थाने राखनी पेड़ी, जागरूकता थाने लानी पेड़ी। एरा जो है गया बेली, अब तो खाली थे तो महाराणा प्रताप की सेना हो यार, कई कह था कि एकलव्य जो हो, द्रोणाचार्य जी जो है दक्षिणा मांगी तो अंगूठो काट दे दियो, तो ऐसा वंश का मन्नत होता। और मैं तो थाने क्यों, मैंने आज नेतागिरी करता ना बस ही गया, लेकिन कोई वफादार जात है तो भील समाज। भील समाज ने कोई दारू पानी में कभी न खरीद सके, न दारू पानी पिए न कोई बात, कोई नाग जाए तो नाग जा बलिए तो मिल जाए, लेकिन बोर्ड तो माँ की मर्जी है जी नहीं दिया। तो माँ के नगर पालिका में 2-3 वार्ड था का भीला का पड़े, वहां बाड़ा में भी बंद करे मागे ठाकर भाई आवाज है, 250-250 वोटा ने एक बार ले जा आराम, दारू पानी भी खुआई, नुंगती पूरी खुआई, मीट भट्टी खा बारा ने मीट भट्टी भी खुआई, लेकिन जब वोट बेड़ी तो वे हाथ का निशान भी दे। जब ठाकर गई सारी मागे तो खाई क्यों रहा, अंदा था मैं तो दीदो पर ऊ नहीं दीदो ही दीदो ही। तो ईशान जो है जात बहुत वफादार है, मना नशंग एरवा चुनाव लड़ा चुनाव जीता, बाड़ूबी माँ के 2-3 वार्ड भी लगा है तो वे आज तक जीता। कोई खुददार जात है तो भील है, लेकिन अब थाने में संभलवा ही दे रहे, जो फायदो है वह थे उठाओ। अब था नरेंद्र प्रधानमंत्री रोजगार का मकान आवे, लेकिन था के जो सर्वे करवो आवे वह टेम का थाना लादो ही कौन, वह टेम का था मालवा फरा जाओ। अब सर्वे करवा वाला जो खाता पीता की सर्वे कर रोज आवे, जो अच्छो मजबूत है कोई सरपंच साहब का आड़े पाड़े चमचागिरी करवा लो, अब एक पटवारी साहब को है तो वाके सर्वे जाए वाके मकान मिल जाओ। बच्चे थे गए मागे दो दे वो केलुड़ियो मकान है हाल तक मागे तो कहीं यही को था को नंबर ना है। तो थे देखो अब धंधो भी इतने मोकड़ो मिले, अब धंधा की कमी कौन है आज की तारीख में, क्यों भी थे काम करवा जाओ तो 300-400 रुपया तो मिली मिले, कारीगरी को काम धना ही की गया तो 800-800 रुपया मिले, तो अटे काम करवो थे अटे ही को। दूसरो था को वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है तो वह वोटिंग पाउडर चाल रही है ये स्कीम, वह में जो है पढ़िया लिखे आदमी एक हो ध्यान मत रखो, पूरा आपने जिसे मोहल्लो है तो पूरा ध्यान रखो, वह में था को वोट है कि नहीं, ठाको है तो थारी बीननी को है कि नहीं, छोरी आपनी नाते फ्री की दूजी नाते लाए तो आपको बाजू जुड़ियो कि नहीं जुड़ियो, तो ईशान को आपने पूरा छोटी छोटी बात पर ध्यान रखना पेट। बाकी मारा लाइक बात बता रहे हो गिलास, तो मैं तो था बीच को ही आदमी,
तेम आगे जो है बड़ो मैं जीतेड़ो है तो तू क्यों जो मैं कुर्बान किया फिर भी कोई तू मैंने की जो मैं कुर्बान किया तेरे मैंने बड़ा दीजिए कोई कोई मगर वो कर दो मैं वो कर दो आज बुला यार मान सम्मान दी दो आज शादियां भी खूब है इसलिए मैंने पचो भागनो भी है मैं तो आप लोगों ने कहूंगा आप लोग का काम पड़े किसी भी शब्द काम का आप मैंने फोन करो कभी थाना कचहरी में न ठगाना तहसील में न ठगाना कोई भी काम है तुम्हारे तरफ जो है मैंने बता दियो मैं आधी रात का तैयार हूँ आई बात कर मारी बात ने समाप्त धन्यवाद।